नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इसको लेकर दावे और कयास अभी से लगने लगे हैं। बीजेपी 370 और 400 का दावा कर रही है। वहीं सोमवार को आए मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्मीदों भरे बयान के मुताबिक कांग्रेस चौंकाने वाले नतीजे लाएगी। NDTV इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आखिर 4 जून को जो असली पिक्चर क्या निकल कर सामने आएगी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसको लेकर भविष्यवाणी की है। NDTV के एडिटर इन चीफ संजय बुगुलिया से खास बातचीत में आपको बताते हैं कि चले उन्होंने 4 भविष्यवाणियां की है। 1 जून से 4 जून को किसकी सरकार बनेगी? राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मुताबिक मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। उनके मुताबिक देश में मोदी विरोधी लहर देखने को नहीं मिल रही है। मोदी के नाम पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि पीके के मुताबिक 400 पार और 370 का नारा बस बीजेपी का चुनावी गेम है। विपक्ष इसको समझ नहीं पाया और बुरी तरह उलझ कर रह गया। उनका कहना है कि NDA साल 2019 की तरह 303 के स्कोर पर या उससे भी अधिक अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें, यह क्षेत्र 2014 से बीजेपी का गढ़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कोई भी खास नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे पीके ने कहा कि पूर्व और दक्षिण में जहां करीब 225 सीटें हैं, वर्तमान में बीजेपी के पास इन राज्यों में 50 से कम सीटें हैं। पहले भले ही बीजेपी का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस चुनाव में उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा घटने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर पार्टी कुल सीटों में से 20 से 25 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।